और राजीव भी हमारे साथ मौजूद है राजीव यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड क्योंकि विपक्ष तो लगातार कह रहा है, पकड़े गए हैं राहुल गांधी कह है, पकड़े गए, दे रहे हैं इलेक्टोरल भ्रष्टाचार बॉन्ड वसूली स्कीम ये सब विपक्ष करार दे रहा है और जनता वो इन मुद्दों से तौर से इलेक्टोरल बॉन्ड के इस मुद्दे से वो कितना जुड़ी हुई है कितना असर पड़ता है उस पर देखिए पूजा आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बतौर प्रधानमंत्री कोलकाता के दौरे पर थे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए वह एक प्रसिद्ध उद्योगपति के यहाँ गए बताया ये गया कि उस ब्रेकफास्ट के दौरान एक बहुत बड़े देश के उद्योगपति जो आज भी बहुत चर्चित राजघराना है वो उद्योगपति वहाँ मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों के साथ उद्योगपति के घर में लंच किया और वो प्रधानमंत्री थे एयरपोर्ट पर उनको रिपोर्टरों ने घेर लिया रिपोर्टरों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप उद्योगपति के यहाँ से ब्रेकफास्ट करके आ रहे हैं तो उन्होंने कहा हाँ उन्होंने कहा क्या फ़लाँ उद्योगपति उस बैठक में मौजूद था उन्होंने कहा हाँ उन्होंने कहा आप उनसे चुनाव में चंदा लेंगे उन्होंने कहा हाँ वो तो उद्योगपति है चुनाव चंदे से ही लड़ा जाता मेरे पास पैसा कहाँ है और उनकी इस स्वीकारोति स्वीकारोक्ति के बाद आ, रिपोर्टर्स के सवाल बंद हो गए और वो चले गए और उन्होंने ऐलान किया उद्योगपति से पैसे वालों से चंदा लेकर ही हम चुनाव लड़ते हैं तो यह होती है पारदर्शिता अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कुछ बुनियादी सवाल है। पहला सवाल पहला तो आ, प्रभाकर ने कहा कि सरकार की मंशा इसकी जानकारी को सार्वजनिक करने की नहीं थी सरकार की मंशा मनी ट्रेल को बताने की नहीं थी नहीं तो दुनिया के सबसे महंगे वकीलों को देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक हायर करता और वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जिरा करता कि चुनाव के नतीजे के बाद ही स्टेट बैंक ये जानकारी साझा कर सकता है नहीं तो वो लगातार इस बात की बात करता कि इसमें बहुत समय लगेगा वो अपनी ये दलीलें देता कि ये जोड़ पाना बड़ा मुश्किल है कि किसने किसको दिया और क्योंकि इसका एक्ट ही ऐसा बना हुआ है एक्ट ही ऐसा बनाया गया जिसमें आदमी की पहचान छुपी रहे अगर यह काला धन रोकने के लिए था तो फिर यह कैसे हुआ कि जिस कंपनी का 27 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट जिस वित्तीय वर्ष में था उस कंपनी ने 360 करोड़ रुपए के खरीदे? यह कौन सा सफेद धन था और किस सफेद धन के जरिए दिया गया सवाल यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला और दूसरी पार्टियों को कितना मिला सवाल यह है कि बारह करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टियों को मिले सवाल यह है कि जो पार्टियां सत्ता में नहीं उनको मिले टीएमसी के सरकार में आने के बाद धड़ाधड़ उसे इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते गए क्या टीएमसी के किसी बड़े नेता ने ये बात आके कही कि पता नहीं कहां से पैसे बरस रहे हैं आपको पता है और हमको भी पता है और देश को भी पता है जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं कोई भी चंदा अपनी पहचान छुपा के देना नहीं चाहता मैं जानता हूं मैं जानता हूं बिहार के एक बहुत बड़े नेता को जो बहुत सालों तक वो सांसद रहे उन्होंने खुद मुझसे अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि उन्होंने बहुत लोगों की मदद की पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां दिलाने में और वही लोग उन्हें चुनाव लड़ा देते हैं उनका घर से पैसा नहीं लगता आप चुनावी चंदा देते हैं हमेशा फ़ायदे के लिए या अपने करीबियों को जिनसे आपका भावनात्मक रिश्ता होता है अगर आप सक्षम आदमी आपने कभी मुझे ये पक्का यकीन है कि जो लोग भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे थे करोड़ों के और वो जिन पार्टियों को दे रहे थे उनको बता भी रहे थे कि ये जो आप कैश कराने जा रहे हैं ये मेरा ही होगा मुझे ऐसा लगता है कि 100-200 200 करोड़ रुपए कोई ऐसे किसी को नहीं दे सकता आप भी जानती है कि आपके परिवार वाले संतान को छोड़कर कोई भी आदमी किसी को मांगने पर भी पैसा दे दे तो उसकी महानता उदारता कही जाती है तो सवाल यह है पहला सवाल तो यही उठता है कि अगर काला धन मनी ट्रेल को ऐसा ही बताना था तो सरकार को इसे आ, ऐसा एक्ट बनाना चाहिए था दूसरी बात जो विपक्ष आज इतनी आ, आवाज उठा रहा है छह हजार करोड़ रुपए उसे भी मिले तकरीबन भारतीय जनता पार्टी को जितने मिले उतने ही करीब करीब विपक्ष के नेताओं को विपक्ष की पार्टियों को मिले टी एक राज्य की सरकार उसे सोलह सो करोड़ रुपए मिले तो चुनावी चंदा पार्टियों ने लिया और उन्हें पता था कौन दे रहा है और कैसे दे रहा है सवाल इस काले धन की बात नहीं अगर काले धन की बात होती तो जिस केंद्रीय जांच एजेंसी ने जिस लॉटरी किंग की सारी संप, ज्यादातर संपत्तियां अटैच की जब्त की कुर्की की उसी आदमी ने उसके बाद जब्त होने के बाद 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा यह कौन सा सफेद धन था और किधर गया ये पूरी बातें जो कही जा रही जनता के डोमेन में आ, सब बातें आनी चाहिए दूसरी बात ये इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए है सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार सीबीआई ने अगर ऐसा ही सब कुछ साफ साफ था अगर इसको चैलेंज किया गया और दूसरी बात किसी भी राजनीतिक दल आप पता कीजिए कि कितने राजनीतिक दल के नेताओं ने यह याचिका दायर की थी और आ, आप पता कीजिए कि जब आ, संसद में यह बहस हो रही थी ये एक्ट आया था तब उस समय बहस में क्या क्या बातें कही गई थी और नहीं कही गई थी देखिए चीज़ों को कहने के दो तरीके हैं गिलास में पानी है और कोई कहता आधा भरा है कोई कहता आधा खाली है प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा विपक्ष का अपना एक पक्ष है लेकिन मैंने आपको कुछ बुनियादी सवाल उठाए आ, बताए जो कि बिल्कुल सामान्य समझ के हैं इसमें कहीं कोई ज़्यादा बुद्धि लगाने वाली बात नहीं है कि जिन कंपनियों के प्रॉफिट से दस दस गुना ज्यादा वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहे थे और तब दे रहे थे जब उन्हें ये पता था कि कभी जिंदगी में नाम का खुलासा होना नहीं है जितना चाहो दे दो और ये सब चुनाव के वक्त हो रहे थे और उस चुनाव के वक्त जब पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और डेट भी मैं आपको बता सकता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड का ये खेल जो है ये राजनीतिक दलों ने खेला है और जनता ज़्यादातर समझ भी नहीं पा रही कि है क्या <laughs> बिल्कुल और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर जनता कितना करीब है वो कितना समझती है इलेक्टोरल बॉन्ड को जिसको लेकर इतनी हाई तोबा और इतना हम बयानबाजी राजनीतिक दलों के बीच देख रहे हैं